क्लिप मैंने डाला था, 40 सेकंड में भी दिख जाएगा। भाई आमिर जो है, अब भाई आमिर जो है उसको हेट क्यों मिल रहा था बाकी सारे वीडियोस में ना। अब सबसे पहले बात करता हूँ, चीज़ें शुरू कहाँ से हुई आमिर को हेट मिलना। तो भाई इस जगह पे मैं बोलूँगा साफ साफ, बहुत लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे कि भाई आमिर सही निकलेगा या निकलेगा, तो भाई गलतियाँ तो तुमने खुद करी है। तुम पहली वीडियो में जब अभी भी ना भाई ने गलती करी हुई है कि इसको लैपटॉप में डाला हुआ है। अभी बहुत बंदे बोल देंगे कि भाई तूने तो लैपटॉप में दिखाया हुआ है, तूने रो क्लिप पूरी की पूरी क्यों नहीं डाली यूट्यूब पे ना। बोलने वाले तो भाई अब भी बोल देंगे तुमको, तुम लोग गलती ना अपने आप से कर रहे हो, तुम ज़्यादा गलतियों में हो ब्रो अभी भी। खैर जो भी है, स्टार्टिंग में जब आमिर ने वो क्लिप नहीं डाली तब जाके तो ये चीज़ें शुरू हुई थी। उसके बाद फिर जैसे भाई सीधी सी बात है, हम लोगों के सामने अगर सेब गिरेगा तो हमारे लिए तो सेब गिरा है, वो किसने गिराया है किसने नहीं उसके लिए 100 बातें होंगी, वही आमिर के साथ हुआ। ठीक है, अभी आमिर का भी अभी यार सही था, मैं तो किसी की बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता, तो सीसीटीवी नहीं आती, सही साइड तो वही है। अब सीसीटीवी की हाइप कैसे क्रिएट हुई, अब भाई जैसे ड्रैगर की आज सुबह की जो वीडियो थी, ड्रैगर की अगर आज सुबह की आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी ना उसने बोला हुआ है कि भाई कोई भाग गया या कोई रुक गया वो सब क्लियर हो जाएगा ये वो, कहीं ना कहीं वो लोग भी ना फोबिया क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ड्रैगर ने किया था, फिर मेटा राइडर है उसने कुछ और डाला था आमिर के खिलाफ डाल दी थी एक वीडियो। तो भाई हम लोगों को पता है बेसिकली क्या लगता था कि भाई ये बंदे जो प्रो राइडर है उसके घर के बंदे हैं बिल्कुल, और अगर ये कुछ डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं आमिर को हमने वहाँ पे गलत मानना शुरू कर दिया था। लेकिन आमिर भाई मुझे एक बात बताओ, तुम अगर सही थे तो तुम वापसी क्यों नहीं आए यार? तुम लोग वहाँ की फुटेज दिखा रहे हो कि तुम लोग एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुँचे थे ये वो, लेकिन भाई तुम उसके घर क्यों नहीं गए? तुम लोग तो सही थे ना, जब तुम्हारे पास ये सब क्लिप्स थी तो दिखाते ना भाई उनको, तुम्हें कौन सा कोई जान से मार देता उन चीज़ों के लिए, ये तुम्हें कौन सा जेल हो जाती? तो खुद ही क्रिएट करी है आमिर ने ना ये सारी चीज़ें ना, आमिर ने या उनके साथ वाले बंदों ने खुद ही क्रिएट करी है। अब हम लोगों को गालियाँ क्यों पड़ रही थी बेसिकली सभी को, आमिर वगैरह को क्यों नहीं पड़ रही थी? तो भाई मैं एक बात बताऊँ, आमिर की किसी आमिर के दोस्त की मेरे से जब बात हुई थी, जब फ़ोन आया था धमकी उनकी के लिए, तो भाई मैं एक बात बोलूँ, तुम लोगों ने फोबिया खुद क्रिएट करा था। खैर अभी भाई इस केस से आमिर तो बिल्कुल बाहर है, ठीक है, अपनी साइड से। अभी सीसीटीवी नहीं आई, अभी सीसीटीवी का कुछ नहीं पता। बहुत लोग बोलेंगे तू आमिर के खिलाफ बोल रहा है ये वो, तो भाई आमिर के पहले कमेंट जाके चेक कर लो। मैंने आमिर को आज से पहले अगर कभी इस केस से पहले अगर कभी कमेंट करा हो तो अच्छा ही कमेंट कर रखा होगा, ख़राब नहीं करा था, मैं खुद से उसको पसंद करता था। बट जब ये सब कुछ हुआ तो हमारे सबके माइंड में, मेरे ही नहीं सबके माइंड में फोबिया था। बहुत सारे कमेंट नीचे भी थे भाई आमिर गलत है, आमिर ने ये करा, आमिर ने वो करा, तो बहुत सारी साइड्स एक केस की बन जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है होना। लेकिन हाँ, हमारी सबसे बड़ी गलती कि हमने एक तरफा आमिर को गलत बोल दिया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही हमारी, क्या बेसिकली मेरी भी रही भाई, मैं तो उस चीज़ को खुद बोलता हूँ, मेरी खुद से ये सबसे बड़ी गलती रही। लेकिन अब इसमें सही क्या हो सकता है, तो भाई अब हम केवल वेट कर सकते हैं। अभी ड्रैगर भाई ने जो हाइप क्रिएट की है थोड़ी सी, वो सब के लिए 6 बजे वीडियो आनी थी, वो आई नहीं, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग केवल भाई वेट कर सकते हैं, इससे अलग हम कुछ नहीं कर सकते। अब किसी की भी सेफ साइड देखने का कोई मतलब नहीं रह गया, अब केवल सीसीटीवी का वेट करो सारे के सारे। वो ड्रैगर भाई के चैनल पे आती है या फिर वो प्रो राइडर के चैनल पे आती है, वो किसी के भी चैनल पे आए, अब खाली उसका मतलब रह गया है, अब किसी और चीज़ का कोई मतलब बचता नहीं है। आमिर भी इस केस से बाहर है आमिर की साइड से देखे तो, ठीक है। और अगर अभी भी बोलने वालों का मुँह नहीं पकड़ सकते, वो तो ये भी बोलेंगे भाई तूने लैपटॉप में क्यों डाली है, तूने रॉ फुटेज डाली क्यों नहीं है। तो बोलने वालों को तो यार क्या ही मुंह पकड़ सकते हैं, बोलने वालों में मैं भी आ सकता हूँ, कोई भी आ सकता है। तो अभी ना सब अपने अपनी साइड से केस से बाहर है। सूरज भाई की वीडियो भी आ गई थी, सूरज भाई की वीडियो भी देख ली मैंने। बट अगेन एक चीज़ ध्यान में रखना कि भाई जब तक सीसीटीवी नहीं आता, सीसीटीवी में क्या समय में आता है क्या नहीं आता है वो एक बात की बात है, तो सीसीटीवी ही लास्ट एक ऑप्शन है, उसके लिए वेट करो। और भाई मैं एक ही बात कहूँगा, देखो आमिर को बेसिकली मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़ना, जिन बंदों ने कहा कि आमिर को अनसब्सक्राइब करो ये करो, मैंने यही बात बोली नहीं भाई सीसीटीवी का वेट करो, सीसीटीवी के बाद कोई भी चीज़ करना। तो भाई मेरे को ना ये चीज़ कहनी बंद करो यार, तू आमिर का हेटर है या तू उसका हेटर है, भाई मैं किसी का कोई हेटर नहीं हूँ। मेरे साथ या फिर मेरे आसपास वाला बंदा, मैं मिलने वाला था प्रोवाइडर से, तो इसलिए कहीं ना कहीं बुरा लगता था। मैंने कहा यार ये चीज़ तो बहुत गलत होगी, क्योंकि जब मेरे से बात हुई थी तो नॉर्मल था सब कुछ, मेरे से बहुत एक्सीडेंटली बात हुई थी और भाई तब तक ना सब कुछ नॉर्मल था, तो मुझे लगा भाई बंदा जेन्युइन है। लेकिन बंदा अभी भी जेन्युइन है यार। देखो आमिर की साइड ये है कि आमिर बार बार ये बोल रहा है मैंने 300 कहीं भी टच नहीं करी, वैसे तो रूल भाई तूने वैसे भी तोड़ दिया, ठीक है तूने तो रूल वैसे भी तोड़ दिया, 120 की वहाँ पे लिमिट है, तू 200 मार रहा है 215 मार रहा है, ये तो ये बकवास करने तो कोई जरूरत ही नहीं है। सेफ साइड ये है भाई कि तूने नहीं किया, और वो चीज़ हम शुरू से अपनी वीडियोज़ में बोल रहे हैं, आमिर ने टक्कर नहीं मारी बेसिकली, तेरा नाम भगोड़ों की लिस्ट में आ रहा था भाई कि तू भाग गया,
ठीक है, सीधी साफ बोल रहा हूँ, बुरी लगेगी मेरी बात, और वो इसलिए आ रहा था क्योंकि भाई तू गायब है, या तो तू फ़ोन उठा के उनको एक क्लिप, ये जो तूने अब कराया ना भाई, ये तू बहुत पहले कर सकता था। तो भाई अपने आप ही गलतियों में आ रहे हो, अपने आप ही, सीधी सी बात है यार आमिर, देखो सीधी सी बात है भाई, तेरे इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो वहाँ तेरे अगर एक चांटा पड़ा हुआ है तो तूने भी तो पलट के मारा है ना हाथ के हाथ, तो 3 दिन बाद थोड़ी मारेगा तू, अब 3 दिन बाद तू ये क्लिप डाल रहा है, तो गलतियों में तो तुम खुद से हो भाई, ठीक है। और भाई अगेन देखो, मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, देखो मेरी तरफ से सॉरी है, बहुत मैंने भी पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, या फिर बहुत लोगों ने क्या क्या सोच लिया था, देखो यार हम लोग को सोचना एक नेचुरल चीज़ है, तो इस पर रिएक्ट मत करो। और आमिर भाई मैं एक ही बात कहूँगा, तू अपनी साइड से सेफ है, बाकी सब अपनी साइड से सेफ है, सारे इसके सारे लोग सेफ साइड हैं तब तक जब तक सीसीटीवी नहीं आती। अब सीसीटीवी में क्या आता है, हो सकता है सीसीटीवी में ही आ जाऊँ या कोई भी आ जाए, सीसीटीवी का कुछ नहीं पता भाई, तो सीसीटीवी आएगी उस पर विश्वास करते हैं, अभी के लिए इस केस को यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है भाई। और अगेन भाई कोई हेट नहीं है किसी से, तो कोई हेट ही नहीं है आमिर से, तो मुझे क्या ही हेट होगा यार, मुझे कोई हेट होता तो फिर शायद जब आमिर के किसी जानने वाले का फ़ोन आया था मैं शायद हेट जब भी दिखाया था उसको, है ना। तो ख़त्म करो इन चीज़ों को ना, सीसीटीवी का वेट करो, उसके बाद बात करेंगे। और भाई जिन लोगों को लगाओ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने किसी को बहुत बुरा भरा बोल दिया, भाई मेरी साइड से सॉरी, बुरा मत मानना, ठीक है, मेरे मन में से कोई हेट नहीं था, एज टच ऐसा हो जाता है आपसे कोई चीज़ छीन ले और आप एकदम बिलक से जाते हो, कुछ से कुछ बोल देते हो, गालियाँ वालियाँ दे देते हो, खैर गाली तो मैंने दी नहीं किसी को भी, तो वही वाली चीज़ें हो रही थी कि एकदम से सब कुछ हो गया और फिर ये लोग भाई अब जो कर रहे हैं वो पहले भी कर सकते थे, ठीक है ना, तो वही वाली चीज़ है। चलो यार इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे, है ना।